हेलो, आज मैं फिर अपनी संस्था स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुई। आज फिर मेरे लिए वो शुभ दिन आ गया जब मैं अपने संस्था के सभी सदस्यों, कार्यकर्ताओं और नए व्यूअर्स के साथ आज संपर्क में रहूंगी। सभी महानुभावों, दोस्तों, साथियों, बहनों, मैं एक बार फिर आप लोगों को भी ये बोलना चाहती हूँ कि आजकल मैं टीम वर्क कर रही हूँ। टीम वर्क के दौरान बहुत सारे ऐसे बातें हैं, आती हैं मेरे सामने, जिसे मुझे फेस करना होता है। लेकिन टीम वर्क बनाना बहुत जरूरी है, टीम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना टीम का कोई भी काम करने जाने पर हम सक्सेस नहीं हो सकते। सर ने अनेक वीडियो में ऐसे बताया है और बहुत से प्रूफ भी दिखाया है कि जो भी बड़ा बड़ा आदमी अमीर बना है या जिनका बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, ये सब जो है टीम के द्वारा ही होता है। एक आदमी खुद खटके, खुद मेहनत करके बड़ा नहीं बन सकता है अगर उसके लिए 10 आदमी काम ना करें, अर्थात उनका टीम ना उनके पीछे। अर्थात कहने का मतलब कि सबको मिलाकर ही अगर हम काम करेंगे तो हम उन्नति कर सकते हैं। हमारी संस्था का भी ध्येय यही है। मैं सभी लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा। एक दूसरे के साथ बिना जुड़े हम कुछ नहीं कर सकते। अभी फिलहाल मेरे दिमाग में एक चीज ये भी घूम रहा है कि सर ने अपने वीडियो में ये बताया है कि हम लोग जो है 464 इस तरह का स्टेट में जो है हम लोग जगह जगह अपना ऑफिस खोलने जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना एम ऊंचा ही रखती हूँ, भले मैं उस एम तक पहुँच पाऊँ या ना, लेकिन मैं थोड़ा ऊंचा रखती हूँ। तब से मेरे दिमाग में ये काम मतलब बात घर कर गया है कि किस प्रकार मैं मेहनत करूँ कि ताकि एक वो हमारा स्टाफ भी जो हमारा भी स्टेट जो है उसमें आए, जहाँ पर हमारे संस्था का ऑफिस खुले। अब काम करते हुए भी मैं अपने ध्यान में रख रही हूँ इस बात को भी, लेकिन सिर्फ ध्यान में रखने से तो होता नहीं है, उसके लिए तो काम करना ही पड़ता है। 1000 आदमी होंगे तभी सर परमिशन देंगे यहाँ बनाने के लिए। इसीलिए भाइयों, बहनों, मैं सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि आइए ना मिलकर काम किया जाए, मिलकर टीम वर्क किया जाए। अगर हम मिलके करते हैं तो 1000 मेंबर बनाना या पार्टनर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर ने तो 60 लाख मेंबर बोलते हैं सर, कि मैं खुद ही लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया हूँ 900। तो खैर सर के ऐसे तो सेलिब्रिटी हम लोग नहीं हैं, लेकिन सर के रास्ते पर चलकर, उनके द्वारा बताए हुए नियमों को पढ़कर, देखकर हम चलने का कोशिश तो कर सकते हैं। पहुंचना और ना पहुंचना वो वक्त के हाथ में है, काम करना हमारे हाथ में है। तो बिना हिचकिचाहट, बिना कोई संकोच किए आप सभी लोगों से, उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी जो इस संस्था में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, आईडी वो अपना आईडी जो है वो खुलवाइए और जो है आप काम करना शुरू कर दीजिए। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा कर अगर छोड़ा है
तो वो तो हमारे परिवार के मेंबर बन गए, इसके बाद हमारे परिवार से निकल गए। इसके लिए मुझे बहुत ही अफसोस है। प्लीज आप लोग अपना भी आईडी एक्टिव कर लीजिए, करके आइए, एकजुट होकर एक दूसरे का हेल्प करें, तो हम भी जो है आगे निकल जाएंगे और हमारी संस्था भी हमारे साथ आगे निकल जाएगी। मेहनत करना पड़ेगा, चाहे कोई भी, एक टुक बना हुआ खाना भी खाने के लिए हमको उठाकर मुंह में डालना पड़ता है, बिना मेहनत का कोई भी काम नहीं है, तो इसमें भी मेहनत करना पड़ता है। लेकिन और भी मैं कुछ फील आजकल कर रही हूँ कि अगर वीडियो भेजने के बाद भी अगर पूछा जाता है कि सर आपको हमने वीडियो भेजा था आपने देखा, अरे टाइम ही नहीं मिला देखने का। अभी सर प्लीज़ देखिए, देखकर आप थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करिए, थोड़ा सा आप देखिए क्या है क्या नहीं है, आप एक्सपीरियंस वाले आदमी हैं, आप भी मुझे थोड़ा समझाइए कि मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि लोग जो है उनके व्हाट्सएप में शेयर किया हुआ वीडियो को भी देख सके। तो ऐसे बहुत से लोगों से मेरा पल्ला पड़ रहा है, मैं उन्हें याद दिला रही हूँ कि देखिए आप मेरा वीडियो जो मैं भेजी उसको देखिए। तो दोस्तों टीम ऐसे ही बनाना होगा, हमको ये सोच कर चलना होगा कि अगर हम 10 लोगों को वीडियो भेजते हैं, 5 लोगों के साथ अगर साक्षात्कार होते हैं, तो 15 लोगों में 5 लोग भी अगर टीम में आ जाते हैं तो हम लोग बहुत खुशनसीब हैं, बहुत खुशनसीब हैं। हम इसी भी तरह से अपना आगे बढ़ते रहेंगे, अपना मनोबल को हम टूटने नहीं देंगे। अब ये मनोबल, हिम्मत, साहस, इन सबों से मुझे एक चीज और याद आ गया, हेल्थ। आज ही मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ हेल्थ टिप्स जरूर दूंगी। एक तो ठंडक का मौसम, अभी ठंडक जो है अपने चरम सीमा पर है, इसीलिए हमको अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोरोना में मैंने 2 साल तक ये आयुर्वेदिक, एक्यूप्रेशर, इन सब चीज़ों का मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया है। उसी से मुझे जो भी नॉलेज प्राप्त हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ हर वीडियो में थोड़ा ना थोड़ा मैं शेयर करती रहूँगी। और इस साहस के साथ मैं शेयर कर देती हूँ क्योंकि इसमें ना कोई दवा खाना है और ना कुछ अपने शरीर में लगाना है, तो इसीलिए ये जो है हार्मफुल नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। अभी ठंडक के मौसम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है बार बार यूरिनरी, बार बार वॉशरूम जाना। अगर पानी ज़्यादा पीते हैं तो वॉशरूम जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ठंडक के दिन में पानी पीने से बार बार हमको वॉशरूम जाना पड़ता है तो ये नॉर्मल है, आपको पीना भी चाहिए, क्योंकि बार बार वॉशरूम जाने से हमारे भीतर जो है के जो टॉक्सिक हैं वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ठंडक के अलावा गर्मी हो या कोई भी मौसम हो, पूरे साल अगर आपको बार बार बाथरूम लगता है तो वो भी जल्दी हो जाता है, जाते जाते भी अगर हो जाता है, तो ये जो है नॉर्मल नहीं कहलाता है। एक तो वैसे ही देखिए क्या हम सबों का तकदीर है, खासकर आजकल हम सबों को समय में भी इतना नहीं था कि बचपन से ही बच्चे को डायपर पढ़ाया जाता है, उसको डायपर पहनना पड़ता है, पैड लगाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो है सपने देखते हैं, इससे जो है अपना वो बिस्तर गीला करते हैं। अब ये जो बच्चापन से ही जो डायपर या पैड लगाना जो शुरू हुआ है, आज एकदम बुढ़ापे तक ये चलेगा। आजकल कुछ एडवर्टाइजमेंट में निकला है एडल्ट पैड, एडल्ट पैड मतलब एज होने के बाद वैसे भी हमारे शरीर की सब सेल
और भी जितनी मतलब वेन है, आर्टरी है, सबके अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस आ जाता है, आ जाता है। इसको कोई नहीं रोक सकता है, ये प्राकृत नियम है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे अंदर कमजोरी आएगा, हमारे सेल, हमारे जितने भी इंटेस्टाइन है, ये है सब वीक होते जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम रोक तो नहीं सकते हैं, ये आना ही है, समय के अनुसार आना ही है, लेकिन इनका रफ्तार हम कम कर सकते हैं। इसका वो रफ्तार जो है हम कम कर सकते हैं। चलिए आज ये यूरिन पास के ऊपर ही मैं, अगर किसी को यूरिन अधिक मात्रा में आता हो, ठंडक का छोड़कर पूरे साल का ही ये अगर उसके लिए ये है, तो इससे जो है ये तो जरूर बात साबित हो जाता है कि हमारा गॉल ब्लेडर, हमारा यूट्रस, औरतों का अधिकतर ये प्रॉब्लम होता है, ये जो है या तो वीक हो गया है या अपने जगह से खिसक गया है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा टिप्स आपको बता रही हूँ। ये हम लोगों का हाथ है अकॉर्डिंग द एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर के अनुसार यहाँ से यहाँ तक मेरा ऊपर वाला बॉडी है, मेरा लंग्स वंग्स, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा स्टोमा, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन इत्यादि है, और ये फिंगर देख रहे हैं आप, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच का जो पोर्शन है, ये हमारा यूरिन ब्लैडर या यूट्रस वाला पोर्शन है ये। तो इस पोर्शन में ही या तो हम किसी पेन से या जिमी एक मिलता है उससे हम इसको प्रेशर देंगे छोड़ेंगे, प्रेशर देंगे छोड़ेंगे, प्रेशर देंगे छोड़ेंगे, प्रेशर देंगे छोड़ेंगे, 10 बार प्रेशर देना है, छोड़ना है, ऐसे करके आप 5 टाइम्स या 10 टाइम्स कर सकते हैं। और बोथ हाथ में, क्योंकि ये बाइलेटिकल पॉइंट है, ऐसा करने से हम लोग जो है यूरिन पर कंट्रोल पा सकते हैं। चलिए मैंने आज फिर आपको एक हेल्थ टिप्स दिया जिसे आप करिएगा, डरिएगा नहीं, क्योंकि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब मुझे आशा है कि कुछ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। अब यहीं पर मैं अपना वीडियो शेष करूंगी। फिर मैं सभी भाई बहनों से ये कह रही हूँ कि देखिए आप इस संस्था में आइए, हम लोगों के साथ मिलिए और हमें भी मजबूत बनाइए और हमारे संस्था को भी मजबूत बनाइए। नमस्ते।